हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानों के में। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको यूपी राशन कार्ड लिस्ट 2019 में कैसे अपना नाम देखना है और राशन कार्ड आप कैसे खोल सकते हैं ऑनलाइन। और उसमें जो पूरी डिटेल है, आपने किस महीने कितनी राशन ली है, पूरी डिटेल उसमें कैसे आपने देखनी है, APL BPL या अंत्योदय राशन कार्ड की लिस्ट आपने कैसे देखनी है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दूँगा। आपने इस वेबसाइट पर आना है और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं जो राशन कार्ड होल्डर की न्यू लिस्ट है, वो उसके लिए नया लिंक ये दे रखा है। और राशन कार्ड अगर आपने ढूंढना है ऑनलाइन तो नाम से भी आप ढूंढ सकते हैं, तो उसके लिए ये लिंक है, डायरेक्ट लिंक है। और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ये है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हम आपको बताएंगे। तो पहले स्टेप बाई स्टेप आपको बता देते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपने यहाँ आना है और ये नीचे आपने होम पेज पर ही नीचे आप आते हैं तो NFSA का एक लिंक है, इसमें आपका जो है लिस्ट आपके आ जाएगी। और उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट का आपका सिलेक्ट करना है। आपने डिस्ट्रिक्ट के बाद आपने एरिया सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका नाम सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है आपका जो है पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और उसमें आपने अपना नाम जो है आपका उसका जो राशन कार्ड नंबर है उसको सिलेक्ट करके आपका पूरा डिटेल उसमें आ जाएगा। और अब दोस्तों इसको उसके बाद आप सेव कर सकते हैं। उसके अब जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको बता देते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आपने ऑफिशियल वेबसाइट का ये लिंक खोल लेना है या आप डायरेक्ट गूगल पे आप राशन कार्ड लिस्ट UP आप सर्च करेंगे तो आप ये देख सकते हैं राशन कार्ड ये लिंक जो है, ये वेबसाइट है, ये आ चुका है यहाँ पे। और आपने इसको खोल लेना है fcs.up.up.in, ये वेबसाइट है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है या आप डायरेक्ट लिंक के माध्यम से इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही हम आपको मोबाइल में कैसे देखना है इसी वीडियो में आपको बताएंगे, मोबाइल और डेस्कटॉप लैपटॉप में, तो साथ ही दोनों चीज़ों में हम एक साथ ही बताएंगे इसमें। तो आपने इस वेबसाइट पे नीचे आना है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण जो लिंक का ये स्क्रॉल दिखा रहा है, यहाँ NFSA की पात्रता सूची ये दिखा रहा है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं आपका जो है ये लिस्ट आ गई है। तो इसमें आपने ज़िला अपना सिलेक्ट कर लेना है, ये ज़िला वाइज है अभी, और ज़िला आपने सिलेक्ट कर लेना है। ज़िला सिलेक्ट करने के बाद आपका जो है ये टाउन्स आपने सिलेक्ट कर लेना है, जो टाउन आपका है वो टाउन आपने सिलेक्ट कर लेना है। टाउन सिलेक्ट करने के बाद ये आप देख सकते हैं ये दुकानदार का नाम आ चुका है। साथ ही आप ये देख सकते हैं 15/7/2019 समय 3:35 AM तक की स्थिति ये है, जो है ये 3:35 AM तक की लिस्ट है, यानी इस ये आज जो आज की लिस्ट है ये आज तक की पूरी अपडेटेड लिस्ट है ये। उसके बाद आपने दोस्तों इसमें राशन कार्ड का जो नंबर दिखा रहा है इस पर आपने क्लिक कर लेना है, अगर अंत्योदय का तो अंत्योदय के कार्ड पे क्लिक कर लेना है, नहीं तो पात्र गृहस्थी पे आपने क्लिक कर लेना है। और उसके बाद आपके सामने ये दुकानदार का नाम आ जाता है और दुकान की संख्या आ जाता है और कार्ड जो हैं वो पात्र गृहस्थी कार्ड हैं और उनकी पूरे जो इस दुकान में जो राशन कार्ड हैं रजिस्टर्ड उनकी पूरी लिस्ट आ जाती है। और राशन कार्ड की संख्या ये आप देख सकते हैं, राशन कार्ड की संख्या, कार्ड धारक का नाम, कार्ड धारक का जो पति पिता का नाम और माता का नाम, यूनिट कितनी है और राशन कार्ड कब जारी किया गया है उसकी डेट ये आप देख सकते हैं। और राशन कार्ड की पूरी डिटेल देखने के लिए आपने जो राशन कार्ड संख्या है इस पर क्लिक कर देना है। और राशन कार्ड की जो संख्या उस पर क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं पूरी लिस्ट ये आ गई है, पूरी डिटेल राशन कार्ड की। तो राशन कार्ड की जो राशन कार्ड नंबर है ये आप देख सकते हैं और कार्ड का जो टाइप है, कार्ड का टाइप किस प्रकार का है, दुकानदार का नाम आप ये देख सकते हैं और उसके बाद दुकान संख्या ये देख सकते हैं और कार्ड धारक का नाम देख सकते हैं, कार्ड धारक के पति का नाम आप ये देख सकते हैं और उसके बाद माता का नाम और जो कुल सदस्य हैं इस कार्ड में रजिस्टर्ड वह हैं चार सदस्य। और उसके बाद सदस्य के नाम आप ये देख सकते हैं और कार्ड धारक से संबंध क्या है उनका और उनके पति का नाम, पिता का नाम आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि आपका राशन कार्ड बना है या नहीं बना है। और अब वापस आपको होम पेज पर आ जाना है और यहाँ NFSA की पात्रता सूची में अपना नाम खोजने के लिए आपने यहाँ इसी होम पेज पर यहाँ इस तरफ आपने ये क्लिक कर लेना है। और यहाँ आपने दो माध्यम से आप अपना जो है
लिस्ट में अपना नाम ढूंढ सकते हैं एक राशन कार्ड के अन्य विवरण से और एक राशन कार्ड संख्या से। तो राशन कार्ड संख्या, तो जब राशन कार्ड आपका आ जाएगा तब आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको राशन कार्ड के अन्य विवरण पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ जो है क्षेत्र सेलेक्ट करना है। तो जिला सेलेक्ट करने के बाद जो है आपका क्षेत्र यहाँ ऑटो अपडेट आता है। तो उसके बाद आपने क्षेत्र आपका कौन सा है, नगरीय या ग्रामीण, तो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने विकासखंड या टाउन सेलेक्ट करना है जो कि यहाँ आ चुका है। उसके बाद कार्ड का टाइप आपने सेलेक्ट करना है, जो कार्ड का आपका टाइप होगा, किस के लिए आपने अप्लाई किया है, अंत्योदय या पात्र गृहस्थी, दोनों में से एक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मुखिया का नाम आपने इसमें डाल लेना है, मुखिया का नाम जो भी है। मुखिया का नाम डालने के बाद आपने ये कैप्चा कोड भर लेना है। कैप्चा कोड ये नीचे जो दिया गया है ये कैप्चा कोड आपने यहाँ भर लेना है। और कैप्चा कोड भरने के बाद आपने खोजे पे क्लिक कर लेना है और इसके बाद आपका जो है लिस्ट आपकी दिखाई देगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जो लिस्ट है ये आप देख सकते हैं, जिला अमेठी, क्षेत्र ग्रामीण, विकासखंड अमेठी और कार्ड का प्रकार जो है पात्र गृहस्थी। तो आप ये देख सकते हैं राशन कार्ड संख्या और कार्ड का प्रकार, मुखिया का नाम, मुखिया के पति या पिता का नाम, और ये लिस्ट आ चुकी है मंजू नाम से हमने सर्च किया था, तो पूरा ये आ चुका है। और व्यू डिटेल आप कर सकते हैं यहाँ से राशन कार्ड की लिस्ट देखने के लिए कि ये आप ही का है या नहीं है। तो आप लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए उसके बाद आपने ये व्यू डिटेल पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, व्यू डिटेल पर क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं पूरा कार्ड के बारे में जो डिटेल है पूरी आ चुकी है। और इसमें आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये आप ही का कार्ड है या नहीं है, पूरा नाम पता एड्रेस देख के। और ये साथ ही आप इसमें देख सकते हैं कि आपने कौन से माह में आपके कार्ड पर कौन सा राशन खरीदा गया है। तो आप ये देख सकते हैं जून और मई में लास्ट इसमें खरीदा गया है गेहूँ चावल, और जो खरीदा गया है कितना किलो खरीदा गया है ये आप देख सकते हैं। प्राप्तकर्ता का नाम क्या है और प्राप्ति का दिनांक और समय क्या है, समय और दिनांक भी इसमें। और जो ये देख सकते हैं आप किसने लिया है, उसका बायोमेट्रिक ये हुआ है, बायोमेट्रिक से ही ये खरीदा गया है। और इसमें आप देख सकते हैं कुल यूनिट कितनी है, तो यूनिट आप ये देख सकते हैं 3 यूनिट कुल हैं इसमें। तो इस तरह से आप ये अपना राशन कार्ड में नाम देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं आपने जो है मोबाइल में आपने कैसे ये सेम डिटेल देखनी है। तो मोबाइल में देखने के लिए आपने जो है, तो दोस्तों मोबाइल में आपने ये डिटेल देखने के लिए इसी तरह मोबाइल में ये वेबसाइट खोल लेनी है। और नीचे आप ये देख सकते हैं, नीचे इसी प्रकार से ये पात्रता सूची का लिंक आ गया है और इसके नीचे साथ ही ये पात्रता सूची आ गई है। इसमें इसी तरह आपने ये क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद ये खुल जाएगा और यहाँ आपने जो है ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, राशन कार्ड में नाम देखने के लिए आपने इस तरह से आपने देख लेना है। और राशन कार्ड कैसे आपने देखना है, राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम कैसे आपने देखना है, उससे रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएगा। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आगे जो वीडियो हम बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।